شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

فوز بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أَذْنَ كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور

मैंने सुराल इमरान शुरान नंबर तीन की आयत नंबर 186 आप लोगों के सामने पढ़ी है आज मेरा टॉपिक है ऊनवान है नफ़रत अंगेज़ जराइम और इस्लामी नुक़ नज़र इसका मुख्तसर सा टॉपिक और आसान उर्दू में ये होगा मौजूदा हालात में हम मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ और ख़ास तौर पर नौजवानों के तल्ल से सबसे पहले अल्लाह रब्लम का और शकरसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी कोबूल फरमा ले आमीन उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी अल्लाह मुझे हक बात कहने खुदमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तोफ़ी दे आमीन अलहमदिल्ला जितने भाई यहाँ आए हुए हैं उनको चार इनाम एक हदीस में मिल गया और पाँचवा इनाम माशा जो मैनेजमेंट ने किया है वो भी अलहमद हमें और आपको चाहे मीठा रहे खट्टा रहे कुछ भी रहे यानी कुछ न कुछ स्नैक्स वग़ैरह अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए हदीस के अंदर जो है वो ये है सही मुस्लिम किताबिक्रद्दा हदीस नंबर टू सिक्स डबल नाइन वो मुनफी बई तिनबीत युन किताबल्लासू नई ना नज़ल तसकीा वरम वमलाया वजुमल्लुफ़ीमा निंदा जितने लोग अल्लाह ताला के घर में जमा होते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है अल्लाह की किताब का नाम क्या है भाई क़ुरान है दूसरी किताब आप लाख पढ़िए चार इनाम की कोई गारंटी नहीं लेकिन अल्लाह की किताब पढ़िएगा और उसी में लगे रहिएगा तो चार इनाम फ़िक्स सुकून ही सुकून है नंबर दो रहमत ही रहमत है फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं जितने लोग यहाँ मौजूद हैं फरिश्तों ने अपना पर बिछा दिया कितने लोग चाय खाने में बैठे होंगे चाय पी रहे होंगे इधर उधर घूम रहे होंगे ये उनको नहीं मिला लेकिन हमें और आपको मिला अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए भाइयों के लिए भी बहनों के लिए भी सब के लिए और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह मल आलम में जहाँ अल्लाह ताली अपनी मजलिस लगाए हुए हैं हम गुनागारों का नाम फरिश्तों के सामने ले रहे हैं मोली साहब एक एकाख दो लोगों का नाम लेंगे आपका नाम क्या आपका नाम क्या आपका नाम गनाते गाते और अल्लाह जब नाम ले ले तो इससे और बड़ा इनाम क्या होगा हम और आप दुनियावी नाम के लिए मरते हैं जबकि हमें और आपको अल्लाह वाले नाम के लिए मरना चाहिए अल्लाह आमीन टॉपिक है अभी माहौल तो हम और आप देख ही रहे हैं उदासी छाई हुई दिख रही है कभी मायूस मत होना कभी मायूस टेंशन नहीं लेने का मायूस नहीं होने हालात कैसे रहे नबी वसल्लम की जिंदगी है सहाबे कराम की जिंदगी है नबियों के वाक्यात हैं उन लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है इसलिए मायूसी ख़त्म कर दीजिए टेंशन नहीं लेने का कुछ नौजवान ऐसे हैं जो कानून को हाथ में ले लिए लेने की ज़रूरत नहीं है भाई कानून को हाथ में नहीं लेने का आइए धीरे धीरे चलते हैं ऐसे हालात में करना क्या है हम लोग बोलते हैं कि अलहमदिल्ला हमारा तोहद बहुत मजबूत है मजबूत नहीं है मैं एक जुमला कहूं अभी और पूछूं आप लोगों से अभी कारोबार कैसा चल रहा है अलहमदिल्ला लेकिन अभी आप लोग बोलते कि हुकूमत बदल गई तो ऐसा हो गया तो ये कानून आ गया वो कोरोना था तो उसके बाद ये हो गया तो वो हो गया वो हो गया यही बोलते हैं हम और आप अब महंगाई बढ़ गई तो कैसे खाएंगे पियेंगे जो अल्लाह सस्ताई में खिलाता था जब सामान सस्ता था तो वो महंगाई में भी खिलाएगा अलहमदिल्ला और ये कभी भी नहीं बोलने का कि हुकूमत का ऐसा है दिस है डैट है क्यों छब्बीस अल्लाह जिसकी रोजी को चाहता खोल देता जिसके लिए चाहता तंग कर देता है तो रोजी रोटी का मामला किसके हाथ में? चलिए आप लोग एक आदमी मुझे बताइए कि कि उसका इंतजाम नहीं करते हैं कोई आदमी बता सकता है कि अल्लाह इसका इंतजाम नहीं कर है एक आदमी को ढूंढ के लिए आइए कोई आदमी ला सकता है जब अल्लाह सबका इंतजाम कर ही रहे तो टेंशन क्या लेने का तोहिद को मजबूत कीजिए एक चीज़ और ईया क नाबो कनस्ताइन हम लोग हर नमाज में हर रकत में ये पढ़ते हैं है पढ़ते कि नहीं पढ़ते मैं इसका दो तरीके से तर्जुमा करूँगा अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं इसमें ही लगा हुआ है एक तर्जुमा अगर मैं ये कर दूँ तो अभी आप लोग ढंडे से मारिएगा मुझे अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं तुझसे भी मदद मांगते हैं तो ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूं या किसी दिन उसको मूड आ गया और उसने यह कह दिया कि मैं आपकी भी बीवी हूं तो बेचारी की क्या हालत होगी भाई एक समझाने के लिए बोल रहा हूं सिंपल समझना है जिस दिन कहा ही तो मैं बोलूंगा अलहमदुल्ला मेरे अच्छे दिन आ गए आज कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा गिफ्ट घर में अलहदुल्ला और जिस दिन कहा भी जेवरात गुम हो गए कोई हरज की बात नहीं रोटी जल गई कोई हरज की बात नहीं तू भी क्यों बोली तेरा आखिरी दिन अजा है ना अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है सब कुछ रचाया है बसाया है अगर हम और आप कहें कि वहां भी इधर भी उधर भी तो अल्लाह को अच्छा लगेगा इसलिए सिर्फ ही जब ये हजरत इंसान ही को पसंद करता है तो अल्लाह को भी काहे पसंद रहेगा समझ गया ही और भी उसके बाद खाने को मिलेगा घी ये सब जुमले एक समझाने के लिए ताकि किसी तरीके से तोहिद जो है वह हमारे दिल में रच जाए बस जाए तो कभी भी मत बोलिएगा कारोबार ठप हो गया सही नहीं चल रहा है ये हो गया वो हो गया हमेशा लोग मिलते रहते मोली साहब कारोबार के लिए कुछ कीजिए आज तक कोई नहीं मिला कह रहे मोली साहब दुआ कीजिए कि अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे फिरदौस में आज तक कोई नहीं मिला मरने के बाद मोली साहब का होगा बताइए नहीं तो मजबूती बहुत जरूरी है हालात चाहे जैसे भी रहे अगर आप मजबूत हैं ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आज लोग कहते हैं और देख भी रहे हैं सब कुछ हो भी रहा है दुकान पर बुलडोजर मकान पर बुलडोजर अगर सही बुलडोजर चल रहा है तो ठीक अगर गलत चल रहा है तो मकान की फिक्र मत कीजिए दुकान की फिक्र मत कीजिए ईमान की फिक्र कीजिए दुकान की फिक्र नहीं मकान की फिक्र नहीं ईमान की दुकान बन सकता है मकान बन सकते हैं ईमान उसकी फिक्र कीजिए लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में बुलडोजर चलाना है और सीधा खत्म कर देना है तो घबराने की जरूरत नहीं बुलडोजर चले तो चले सहाबे क़राम का पूरा माल ले लिया गया कभी रोए अकीद तो की कमजोरी है काहे रो रहे हैं भाई सोहेब रूमी रजी अल्लाह तला जानते हैं मक्का है मक्का वालों ने कहा गरीब आए थे यहां माल कमाया अब हिजरत करके यहां से जा रहे हो गौर कीजिए कितनी परेशानी उन लोगों ने उठाई है हमें और आपके लिए कोई परेशानी नहीं सही बनी बान की रिवायत है पूरा माल देना पड़ेगा तैयार रहिएगा ये लोग तो बुलडोजर चला के खत्म कर दे ले लेना चाहिए अगर लेना है तो ले लीजिए ना भाई पूरा माल देना पड़ेगा सुहैब तैयार हो तो क्या छोड़ देंगे मदीना जाने के लिए बोले हां छोड़ देंगे पूरा माल दे दिया ईमान को बचा के ले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो क्या कहा रब या सुब रब या आज अगर कोई हमारे मकान को ले ले कोई क्या कोई ताकतवर ही ये हो सकता है दुकान को ले ले सब कुछ ले ले ईमान हमें दे दे तैयार हैं इंशाल्लाह आहिस्ता से निकल रहा है हम दिल को मजबूत रखना पड़ा रोने का नहीं कुछ भी नहीं तो यह है असल तोहित की मजबूत हालात चाहे जैसे भी रहो याद रखिएगा जब तक ऊपर वाला ना चाहे दुनिया की कोई ताकत हमारा और आपका कुछ बिगाड़ सकती मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता और बचपन से बच्चे को सिखाना हम और आप बचपन से सिखाते नहीं किससे डराते हैं खामोश रहा पुलिस वाला आ जाएगा अभी डॉक्टर सुई लगा देंगे टीचर जो है वो मारेंगे अल्लाह का डर कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा है बचपन ही से सिखाने का बच्चे को सुन्नत तिरमजी किताब सिफतुल कियामा हदीस नंबर 2516 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआलानों से कहा वलमन अल उम्मता लइस्तमा لم يزرك بشيء قد كتبه الله عليك इनकत कत रफ़ियातकाम الصحف कहीं कहीं आप नारे सुनते होंगे ये कर देंगे तो वो कर देंगे इसको मिटा देंगे उसको मिटा देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते हम में से कुछ भाई ऐसे हैं ये जुमले पर सिर्फ गौर कीजिएगा जमाई और कमाई सरकारी चाहिए नहीं समझे खोल के बताना पड़ेगा जमाई और कमाई सरकारी चाहिए बाकी सब प्राइवेट जमाई मतलब दामाद आहसन सही जमाई दामाद कमाई सरकारी नौकरी उसमें पैसे बहुत है बकिया सब चीज प्राइवेट क्यों ऐसा मेरे भाइयों तिजारत करो टेंशन क्या लेने का सर पर बोझा उठाना है चलना है मेहनत करनी है पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे मेरे नसीब का नहीं है तो यहां आकर भी चला जाएगा और नसीब का है बाहर घूम घाम के भी हमारे पास आ जाएगा है इतनी मजबूती ये दुकान मेरी है अब बाजू वाली दुकान एक और चाय वाली खुल गई तो बाजू वाले क्या अरे यार एक तो मैं फंस गया तू भी चलाया फंसने के लिए अच्छा कुछ ट्रिप्स दीजिए ना तिजारत की हम और आप एक दूसरे को नहीं देंगे देते हैं क्या यानी तकदीर कलम उठा लिया गया सही पे खुश हुआ यह क्या है तकदीर मेरा नसीब मेरा है आपका नसीब आपका है मेरे बाजू से मेरे सामने से कहीं से भी आपकी दुकान अरबों की तोहिद देखिए माशाल्लाह क्या मजबूती है पढ़ रहा था एक वाक्य शोरूम खुला बाजू में सेम सेम खुला तो बाजू में पानी उनी लेने आता था तो अपने सेठ को कहा जो उस पर बैठता है कि सेठ साहब ये पानी भी ले रहा है लाइट भी ले रहा है और बाजू में सेम दुकान खुल रही है यही ना सिखाया जा रहा दूसरे को दबाओ अपने आगे बढ़ जाओ आज लोग अकलमंद तो हैं लेकिन दर्दमंद नहीं है मिसाल के तौर पर एक आदमी डूब रहा है तो जब डूब रहा है तो कितने रिपोर्टर क्या करते मुंह में ले जाके सीधा माइक घुसा देते आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है ये भैया पहले बाहर निकालिए फिर पूछिए कि जब आप डूब रहे थे तो कैसा लग रहा था अब बेचारे को वहीं ले जाके डाले हुए हैं ऐसे अक्लमंद लोग हैं दूसरे के इस पर लाश पर काम पर बस अपनी चीज आगे बढ़नी चाहिए तो उस अरब ने कहा बेटा वो अपने नसीब का खाएगा मैं अपने नसीब का खाता हूं दो कंपनी किचन वाली थी चल रही थी अब उसको क्या करना है एक बंद हो गई तो दूसरे को खुश होना चाहिए बंद हो गई उस साहेब ने क्या किया चेक दे दिया भाई कितना लगता है लगा ले और फिर से तू अपना उठा ले हम और आप करेंगे ऐसा अकीद तो बहुत कमजोर है भाई ईमान की फिक्र कीजिए जान की नहीं जान आज नहीं तो कल जानी वाली है वो कहां से रहेगी एक चीज और हम लोग मौत से बहुत डरते हैं और सही है डरने वाली चीज है जिससे बच नहीं सकते उससे डर रहे हैं और जिससे बच सकते हैं उससे डर ही नहीं रहे मतलब जहन्नम से आराम से बच सकते हैं कोशिश करेंगे तो सब लोग बोलते रहे मौसम से बहुत डर लगता है बहुत डर लगता है बहुत डर लगता तो तैयारी कहाँ कर रहे हैं भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते यानी हल क्या है अभी हालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते हम और आप जब भी घबरा जाते तो नमाज ही को छोड़ देते हैं भाई घबराहट का हल परेशानी का हल आ, उस डेट में देखा मैं मस्जिद में माशाल्लाह मगरिब में लोग वहां तक बैठे हुए थे और नमाज में आए हुए थे सेहन तक तारीख में उसके बाद फिर गुल हो गए खत्म कहाँ चले गए गधे के सर से सिंह की, की तीन सौ साठ की अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कितने परसेंट पढ़ रहे हैं पांच परसेंट भी नहीं है और लगा हुआ है, हरन लगा हुआ है लोगों को बोला हई अलहफला कोई माइक था भाई ये उनकी तरबियत थी मेरे भाई हालात तो वैसे अगर बने हुए हैं तो उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम लोग भी है ना कारण नबी सजरफा रजी ताला कहते हैं कि नबी वसल्लम जब घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते तो घबराहट अगर है तो नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए सीधा कौन सी नमाज छोटे छोटे बच्चे आज अपने यहां कैसे हैं किस टाइप की? उनका दौर कैसा था हमारा दौर कैसा है किस टाइप से चल रहे हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए फ्रिज भी है एसी भी है सब कुछ है कालीन है तीन टाइम तो हम लोग खा रहे हैं तीन अब वो लोग तो तीन साल तक बोले वहां रहे घाटी में रहे शेब अभी ताले में हम लोग रह पाएंगे वही अगर आजमाइश शुरू हो जाए तो कहीं टिकी नहीं पाएंगे लेकिन दुआ करते रहिए कैसे वो लोग टिके हैं कैसे रहे हैं तो ये सब वाक़त ऐसे हालात में पढ़ेंगे तो बड़ा फायदा आइए एक हदीस सुनाता हूं अगर हालात ऐसे बने हैं तो देख लीजिए सही बुखारी किताबुल वजू हदीस नंबर 240 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं गौर से सुनिएगा नमाज़ पढ़ रहे हैं जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अबू जहल भी अपने साथियों के साथ बैठा और मजाक कर रहा है कौन है जो उठे और ऊंट की ओझड़ी लाए और मोहम्मद पर डाल दे उुबिल्ला उसने ऐसा कहा तो उकबा बिना मोहित उठा और कहा मैं हूं वो गया लेके आया और डाल दिया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोई मस्जिद ऐसी बताइए कि उस मस्जिद में जाने से आपके ऊपर किसी ने ओझड़ी डाल दी हालात हैं सख्त है काहे घबरा गया भाई टेंशन में कहा अभी वो दौर नहीं आया भाई डाल दी अब्दुल्ला बिन मसूद रजील्ला कहते कि मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूं लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि उस उजड़ी को हटा सकू जो ला के नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है आज हम और आप भी देख रहे हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं कुछ नहीं कर सकते क्या करेंगे अब्दुल्ला बिन मसूद रजील्ला ने कहा कि मैंने देखा खत्म ली मन काश के मेरे पास कोई ताकत होती जो मैं कर देता बेटिया को पता चला आज हम और आप बोलते हैं ना कि बेटी पराया धन है बेटी अपना धन है बेटी पराया धन नहीं है दो बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बन गए आप साथ में रहेंगे अगर अच्छी तरबियत हो गई तीन बेटियां हैं वो सीधे जहन्नम के पास आके खड़ी हो जाएंगी मेरे अब्बा अम्मी को जहन्नम में नहीं जा सकते तो अपना धन है या पराया धन है अपना धन है अपने लिए फातिमा रजील्ला आई और उन्होंने उजड़ी को हटाया अब गौर कीजिए जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा रजी अल्लाह आपकी बेटी मेरी बेटी उनसे अच्छी हो सकती मां बहनों से कहता हूं आज जितनी तलाक है खुला है अब मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन बोलना पड़ेगा उसके जिम्मेदार मां बाप हैं और वो जो साला होता ना साला वो और पूरा गेम को ये कर देता पीछे दबना नहीं बहन देख पीछे हटना नहीं हाँ एक फोन गया हेलो अब्बा अम्मी ऐसा ऐसा मसला हो बेटी आजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गई थी मिलने के लिए हालात कैसे हैं भाई परेशानी जो है तो परेशानी घर में भी है बाहर भी है हर तरह की परेशानी है उसको ख़त्म करना सही बुखारी किताबुल नफाक़ात मिलने के लिए आई तो सौतीली माँ आयशा रजील् ताली मिली आजकल सौतीली माँ का रोल भी बड़ा गड़बड़ है अपने समाज में वो सिर्फ अपने औलाद को आगे बढ़ाती है बाकी उनके औलाद से दुश्मनी पैदा कर रही है काश के वो उमुल मोमिनी आयशा रजी अल्लाह तह का रोल अदा करती सुनाइए आप उन्होंने सुना दिया फातिमा रजी अल्लाह तहन फिर नबी सल्मा आए तो उमल आयशा रजी अल्लाह तह ने नबी नबीलासम को बता दिया कि बिटिया आई हुई थी और ऐसा ऐसा मसला है चक्की चलाते चलाते ये घट्टे पड़ गए हाथ में आज आज हमारे घरों में चक्की चल रही है इसलिए दूसरी चक्की चल रही है समझ गए ना दूसरी चक्की का मतलब दिमाग वाली चक्की और चक्की पहले की जो बूढ़ी माता है दादी माँ नानी माँ ये जो है ना दादी माँ नानी माँ अलहदुल्ला अच्छी खासी है बड़ी तगड़ी है और चश्मे भी नहीं है बहुत सारी बूढ़ी माँ दादी माँ और दस दस बच्चे पंद्रह पंद्रह बच्चे खेत में भी काम कर रही है घर में भी काम कर रही है और उनके चश्मे उनके आंख वो जो धुआं धुआं है ना धुआं वो धुएं से आंख चार्ज हो जाता आज हमारे घर में अगर धुआं आ गया पूरा दिमाग हमारा धुआं धुआं हो जाएगा गड़बड़ी हो जाएगी ये गैस जब से हमारे घरों में आया है पेट में गैस घुस गया यानी जितनी नियमतें आई सहूलतें आई परेशानी बढ़ी नाशुक्ति बढ़ी पहले के लोगों को देख लीजिए तो बताने का यह है कि अगर अंदर परेशानी है तो कैसे डील करना कैसे रहना टेंशन नहीं लेना है अगर माँ बाप सोच ले कि बेटी का घर बचे तो खुद से जाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए बेटी को लेकर बैठे दामाद को लेकर बैठे अपने यहां क्या होता वो उसको ले जा रहे हैं तो उसको ले जा रहे हैं तो उसको ले जा रहे हैं आजकल लोग कैंची तो हैं सुई नहीं है जोड़ना नहीं तोड़ना जानते हैं किसी के मोहब्बत नहीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके बैठ गए बेटिया सुनाइए दामाद को डांट सकते थे अली रजी अल्लाह रजीला को जैसा हम और आप डांटते बेटा ये क्या हो रहा है बोले नहीं दोनों को समझाओ क्या बताया आज मां बहन को मैं ये दर्श देके जाना चाहता हूं कि आपको बड़ी थकान हो रही है और आपको भी अगर थकान हो रही है तो ये तस्वीर है फातिमा और थकान दूर करने वाली चीजें वजीफा लेके जाइए क्या नौकर दिया काम करने के लिए सुबह अल्लाह अलहमद ला अल्लाह अकबर बस खत्म बोले ये नौकर से बेहतर है मां बहन अगर फजर से पहले उठती हैं और ईशा के बाद सोती हैं थकान में है ये पढ़ ले अल्लाह इसकी बरकत से थकान दूर कर देंगे टेंशन फ्री टेंशन वही चलता आजकल हम और आप अपने घरों में हैं घरों में हैं करीब जो नजदीक है हमारे हम उनसे दूर हैं दूर वालों से नजदीक है ये जब से बिटौआ है ना इसको मैं बुटौवा बोलता हूँ जानते ये बिटौआ है ये अब्बा जो थे अब्बा को जानते अब्बा का नंबर कितना था भूल गए अब्बा को लोग अक्सर भूल जाते हैं भूल गए ना अब्बा को नंबर बताऊं अब्बा का अरे वो सिंपल वाला था जिसे अम्मी मारती थी फेंक के याद है आप यानी अब्बा को लोग याद रखे हुए हैं मैं उसको अब्बा बोलता अब्बा जब तक जिंदा रहे किसी को बिगड़ने नहीं दिया बोलिए कोई बिगड़ा उसमें सिर्फ सांप सीढ़ी था अगर लॉकडाउन में होता बेटा हुआ तो हम लोग लॉकडाउन में सिर्फ सांप सीढ़ी ही खेलते होते लेकिन ये जब से आया है किसी को छोड़ा ही नहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है लोग बोलते हैं ना मीडिया बर्बाद कर रहा है यह कर रहा है वो कर रहा है सही है भी हम और आप कोशिश करें कि मीडिया में इतनी नेक चीज अच्छी चीज भर दे कि हमारी अच्छाई ऊपर आ जाए लेकिन उसमें देखिए क्या चीज भरी सिर्फ फोटो आज मैं उम्रे पे जा रहा हूं तो अहराम पे ना यह फोटो भेज दिया फेसबुक पे डाल दिया फेसबुक फेस और बुक दोनों को दे फेस बच्चा पैदा हो फेसबुक उस पर ट्विटर सब फेस अरे काहे को आप फेस दिखा रहे हैं भाई बुरी नजर भी लगती है यहां जा रहे डालते नेकी कर फेसबुक पे डाल की सा कैसी गुजरती थी शेख साहब ने हदीस पढ़ी रजुल रज्दुल्ला सही बुखारी किताबुलदीस नंबर वन वन टू टू, टू। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है काश के रात की नमाज पढ़ते अब यहां रुकिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे सरपरस्त हैं जिम्मेदार हैं कि हौसला अफजाई करते हैं अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है तो अगर नौजवानों से काम लेना है तो पहले उनकी तारीफ करनी पड़ेगी अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है पहले ये कहा अब्दुल्ला बड़े अच्छे लेकिन आजकल अपने यहां से मैं अकेले अच्छा हूं सब गलत हमारे यहां हमारी डिक्शनरी में हौसला अफजाई अप्रिशिएट करना है ही नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्हं� बरकत दे वो डिलीट है यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है काश के रात की नमाज पढ़ते अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा दें और नौजवान पर असर ना हो फका इल्ला कलीला अब उसके बाद अब रात में बहुत कम सोते हैं हम और आप भी रात में बहुत कम सोते हैं हम और आप भी रात में बहुत कम सोते हैं किस में लगे हुए हैं दूर वालों से नजदीक और नजदीक वालों से दूर अहलिया साहिबा इधर हैं और हम इधर हैं वो उधर हैं वो उधर हैं दोनों एक साथ हैं लेकिन दोनों पूरी दुनिया से कनेक्ट है घर के अंदर अगर दो तीन रूम रहे तो वो रूम से अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम इधर आ जाइए ओहो हो यानी एक ही घर में भी मोबाइल के जरिए बुलाया जा रहा है है ना उठ के नहीं आ सकते क्या दूरी हो गई हर चीज कट गया इसलिए मेरे भाई हो सबको जोड़ना बहुत जरूरी है जोड़ेंगे उसका बड़ा फायदा हो हालात ऐसे बने हुए हैं तो क्या करेंगे हमारा तो काम एक ही है वो है मोहब्बत फैलाना नफरत को खत्म करना अपना तो काम है कि जलाते चलो चराग अपना तो काम है कि चलाते चलो चराग रस्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले बस ये लेके चलते रहिए लोगों को बताते रहिए और टेंशन कभी भी मत लीजिए कभी कभी क्या होता कुछ चीजें प्रचार का जरिया बन जाती हैं बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है सब कुछ हो रहा है जब लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे अरे ये दुनिया इतनी बेवफा है इतनी बेवफा है कि वक्त के नबी को मिस्र में बेच दिया उससे पहले ही बेच दिया ये इतनी बेवफा है इतनी बेवफा है आग में डाल दिया इतनी बेवफा है इतनी बेवफा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलहान कर दिया इतनी बेवफा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा काहिन कहा असर हो गया कहा तो हमें और आप पर तो इतराज होगा ही ये आयते में अक्सर पढ़ता हूं नंबर तेरासी आयत नंबर उन्तीस से छत्तीस तक पढ़िए ये मुजरिम लोग जो असली मुजरिम है ईमान वालों के पास से गुजर बहुत चला है अभी हा हा ही ही हु हु अरे भाई आप आजादी मनाइए आप खुशी मनाइए हमको का लेना देना लेकिन हमको चिढ़ाते का है चिढ़ाते का है लेकिन वो चिढ़ाएंगे कुरान ने खुद का हंसते हैं खुद ही गलत पर है लेकिन हंस रहे हैं तो कंखी मारते हैं और इतना ही नहीं जब अपने घर वालों के पास हाँ बजा दिया अच्छा आगे कहा जा रहा है अरे अब ये भी कहते हैं गुमराह यही लोग हैं इसलिए टीवी पर डिबेट हो रहा है जिनको इस्लाम नहीं आता अलीब नहीं जानता कुरान का काफ नहीं जानता हदीस का हा नहीं जानता वो इस्लाम के बारे में बता और रसवाई का जरिया बने हुए और किसको किसको पकड़ के लाते हैं ले भाई जो इस्पट है उसको लेके जा इसलिए अपने पास इस स्पट वाली टीम होनी चाहिए जो जिसके माहिर है वही जाके बात करे हर एक बात नहीं करेगा लेकिन अपने यहां कोई भी बात कर रहा है आगे अल्लाह ने कहामा और हाफीन जब उन लोगों ने सहाबा को नहीं छोड़ा तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर का तो इसलिए हालात को अपने फेवर में कर लीजिए ला तह सबू शरकूम बल हुआ सूरह नूर सूरह नंबर चौबीस जिसको तुम गलत समझ रहे हो हो सकता यही तुम्हारे लिए बेहतर हो आइए एक वाक्य सही मुस्लिम हदीस नंबर एट सिक्स एट जिमाद अजदी अजद शनुआ यमन के रहने वाले हैं मक्का आए है, तो मक्का वालों ने उड़ा रखा है कि मोहम्मद पर असर हो गया है हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते रहे असर हो गया है असर हो गया है तो भाई जहां दरख्त है फल लगा हुआ है तो ढेला वही मरेगा तो सब कुछ तो अपने लोगों के पास है तो लोग इसी पर ना बात करेंगे दूसरे के पास कहाँ है कि कहाँ बात करेंगे मिलना नहीं मोहम्मद से मिलना नहीं मिलना नहीं मिलना नहीं मिलना नहीं हाँ, अभी कुरान स्वीडन में जला है जला है ना उन लोगों को सही समझ दे स्वीडन में जला एक मुसलमान भी नहीं लेकिन दो पहन के और इस्लाम कबूल करके सीधा स्कूल में आ गई आप क्या समझते हैं टेंशन में काहे हैं घबरा क्यों रहे हैं तो क्या मैं बता रहा था जिमाद अज़दी का वाक्य आए जिमाद अजदी बोलते हैं कि मुझे तो झाड़फूक आता है और एक बात याद रखिएगा दो जगह हमारी जेब बड़ी ढीली होती है और जितना बोले उतना देना पड़ता है एक डॉक्टर साहब और एक बाबा साहब जानते हैं पूरा देना पड़ेगा जितना है भाई ठीक है आ गए लेकिन ये बेचारे फ्री में घूम रहे हैं आ, फिर ढूंढ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब देखिए मक्का वाले उड़ा चुके हैं क्या ऐसा मीडिया वाले उड़ा चुके हैं इस्लाम ऐसा मुसलमान ऐसे उड़ाने दीजिए प्रचार हो रहा है काहे टेंशन में आप तो कहा मुलाकात हो गई नबी सल्लम या मोहम्मद हिर मोहम्मद वसल्लम मैं तो झाड़ फूक जानता हूं मुझे पता चला कि आपके ऊपर असर हो गया झाड़ फूक दू क्या अब देखिए प्यारा अंदाज इसलिए हमारा भी अंदाज प्यारा होना चाहिए प्यारे वसल्लम का अंदाज प्यारा उम्मती का अंदाज भी प्यारा हो

मोहम्मद फिर से पढ़िए अलैहि वसल्लम इसलिए इससे ये पता चला कि गुस्से में नहीं आने का ख़ास तौर पे जो हम लोग हैं ऐसा कभी कभी क्या होता है एक मर्द ए बताया बहरा कहीं का सीधा याद नहीं रखता है जी नहीं लोग पूछेंगे प्यार से बताना चाहिए बताए फिर पढ़े फिर पढ़े तीन मरतबा पढ़वाया और याद रखिएगा पढ़वाएंगे फिर उसके बाद لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر. اوه मक्का वालों ने तो उड़ा रखा है मैं शायरों की बात जानता हूं जादूगरों की बात जानता हूं काहिनों की बात जानता हूं आपकी बातें तो ऐसी है कि समुंदर की गहराई में जा रही है अरे समुंदर की गहराई में बाद में जाएगी जिमाद अजदी के दिल में पहले उतर गई गए थे जिमाद अजदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने और अलहमद अपना इलाज करवा के आ गए हाथ यद का यदाबाद इस्लाम का गए थे इलाज करने के लिए और मुसलमान हो गए आगे काहे घबरा रहे हैं आने दीजिए ना खुद जाके मिलिए ना हालात ओलमा के साथ जुड़ के रहिए अपने यहाँ क्या होता है? हर आदमी मौलवी है मैं ऐसे खोल के बोलता हूं तो लोग बोलते अरे मौली साहब आप हंसाते हो भाई ना मैं हंसाता हूं ना मैं फंसाता हूँ आईना दिखा देता हूँ सही है ना भाई अपने यहाँ बच्चा मुफ्ती से छोटा पैदा ही नहीं होता भड़का मुफ्ती है वो ओलमा के साथ जुड़ के रहिए साहबे ग्राम के अंदर भी ओलमा के साथ जुड़ के रहने का जज्बा अबू मुसा शरी रजी रजील् तन देखिए रजी अल्लाह तनो लगा हुआ है सरणदारमी हदीस नंबर 240 सौ अमर बिन यहा कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह रजील्लान के बाहर घर के बाहर नमाज के वक्त इंतजार कर रहा था शायद वो सुबह की नमाज हो या जहर की नमाज हो नमाज में नमाज के वक्त मैं उनके घर के बाहर बैठ कर इंतजार कर रहा था कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तन जो मुफ्ती है, मदीना है अभी निकलेंगे मसला क्या है सहाबा तो बात समझा सकते हैं लेकिन मसला क्या है मसला यह है कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं अल्लाहू हु, अल्लाहू सुबह अल्लाह अल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह वही कंकरी लिए हुए हैं, सौ सौ मरतबा गिन रहे हैं, तो अबू मुसाद शरी रज्ला समझा सकते थे कि नहीं समझा लेकिन मुफ्ती मदीना अब्दुल्ला बिन मसूद रज उनके घर गए जब घर गए तो बिन अमरबीन और उनकी टीम से पूछा कि आप लोग यहां दरवाजे पर बैठे हुए हैं काहे है? बोले अभी मुफ्ती साहब निकलेंगे तब ना तो वो भी जाके बैठ गए इस पॉइंट पर गौर कीजिए साहबिय रसूल भी गेट पर बैठकर दूसरे साहबी जो मुफ्ती हैं उनके इंतजार में है वो चाहते तो घर में घुस जाते ने इंतजार किया जब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह निकले हाँ आप जी काहे का मसला है वो कुछ लोग वह अल्हम्दुलिल्लाह सौ सौ बार चल रहा है कंकरी में अरे तो आप खुद ही समझा दिए होते आपके रहते हुए मैं बात करूँ अब देखिए एक सहाबी दूसरे सहाबी के लिए क्या जज्बा है ओलमा की कदर का काश ऐसा हमारे यहाँ भी हो जाता काश फिर वो गए तो उन्होंने समझाया आज अपने यहाँ ओलमा की नाकदरी बहुत ज्यादा है कोई भी एक खिंचाई कर लेता है रात में दो बजे फोन करेगा हेलो साहब ये मसला बताइए ना असल में आपका व्हाट्सअप आप, वो जो है ना वो चालू था तो हम समझ रहे थे कि शायद आप जागे हुए हैं ये रात में दो बजे जागे रहेंगे तीन बजे जागे रहेंगे प्लीज सॉरी है माफ कीजिएगा बस पूछ लिया ऐसा ओलमा की ना कदरी और याद रखिएगा आलिम साहब की दुआ भी लगती है और आलिम साहब की बददुआ भी लगती है ये गौर से सुन लीजिएगा ये हदीस जहां मैंने सुनाई है और जिसने जिसने भी अपने मोली साहब से झगड़ा कर रखा इमाम साहब से खादिम साहब से और मोहिन साहब से वो गले मिले एक जगह तो दोनों रोते हुए मिले अगर आप में से भी कोई मसला है कोई मोली साहब के साथ तो गले मिल लीजिए सीधा क्या मालूम जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं हदीस क्या है सही बुखारी किताबुल अजान हदीस नंबर सात सौ पचपन सात बिन वक्का रजील्ला जो दुआ करें अल्लाह कबूल करे कोफा के गवर्नर हैं याद रखिएगा एक चीज़ और इमामों के लिए भी इसमें सबक है मोली साहब के लिए भी कि जब लोगों ने सहाबी को नहीं छोड़ा तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे और खास तौर पर वो लोग जो मस्जिद में कभी कभी आते हैं तो आते ही घड़ी को देखने लगते हैं इमाम साहब कहाँ गए अच्छा एक मिनट लेट आए तो फजर में हाजिरी लगा लेते हैं मैं तो यही कहता हूं जहां इमाम साहब से झगड़ा है फजर में हाजिरी पूरे लोग एक तरफ इमाम साहब एक तरफ एक महीना सब आते कि नहीं आते और इमाम साहब आते कि नहीं आते वक्त पर हो जाए तो एक थे ओसामा बिन कदादा नाम के उनकी शिकायत कर दी कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता सात बिन वक्का रसिल्ल तहावी रसूल और नमाज पढ़ाना नहीं आएगा यहाँ आठ आठ साल दस दस साल पंद्रह पंद्रह साल मदरसे में रहे कपड़ा फटा है लुंगी फटी है क्या क्या खाए हैं और मोली साहब ही क्यों नहीं पता बेचारे मोली साहब टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं दूसरा मोली साहब के सामने ही फतवा दे देता है हाँ अपने अब सब मुफ्ती लोग हैं अब बेचारे को हटा दिया गया अब मार रज़ील्ल्ला तौर को गवर्नर बना के भेज दिया कि अब आप जाके नमाज़ पढ़ाइए और सब देखिए लेकिन एक कमेटी बैठी अपने यहाँ कमेटी नहीं बैठती हालात कैसे भाई किसी को अगर निकालना हो अपने यहाँ भी मस्जिद में कितने लोगों को झगड़ा इमाम रहेंगे या मैं रहूंगा जब तक इमाम को नहीं निकालते मैं मस्जिद में नहीं जाता अगर ज़्यादा आप कुछ कीजिएगा तो कुछ दिनों के बाद वो मस्जिद छोड़ेंगे फिर कुछ दिनों के बाद वो नमाज छोड़ देंगे हाँ 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 अपने ऐसे ही चल रहा बेटी बेनमाजी चलेगा बेटा बेनमाजी चलेगा घर नहीं छोड़ा बीवी बेनमाजी घर नहीं छोड़ता है कि जब तक नमाजी ना बने तो हम घुसबे नहीं करेंगे है लेकिन इमाम साहब से बड़ी तकलीफ है और कितने लोगों को तकलीफ है अब उसमें क्या हुआ उमर बिन खत्ताब रजील्ला ने एक कमेटी बैठा दी इसलिए मतवली साहब को भी चाहिए कि कमेटी बैठाया करें निकाले तो काहे निकाले पूरा घूम घाम के देखे तो वही उसामा नाम एक आदमी खड़ा हुआ बोले ऐसा करते सही नहीं करते नमाज सही नहीं पढ़ाते और बराबर तकसीम नहीं करते अब इनको रहा ही नहीं गया गलत इल्जाम और गलत इल्ज़ाम लगेगा तो मसला गड़बड़ हो जाएगा याद रखिएगा खड़े हो गए अल्लाह माइन का अल्लाह ये झूठा है अगर ये झूठा है फातिल उम्र फकर बिल आरिजिलफन तीन बदुआ कर दी लंबी उम्र दे दे फितने में डाल दे फकीरी बढ़ा दे अब ये तीन बदुआ जब हो गई तो उसके बाद रास्ते में घूम रहे हैं, देख रहे हैं उमर बड़ी लंबी हो गई इतनी लंबी हो गई जो भाऊ है ना भाऊ भाऊ के बाल आंख में घुस गए ये भाऊ के बाल इतनी लंबी उम्र मिली ओहो मुझे बदुआ लग गई है वही सात की बददुआ लग गई रास्ते में जब वो जा रहा था तो लड़कियों को छिड़ा करता था बदुआ लग गई तो याद रखिएगा इमाम की दुआ भी लीजिए और बदुआ से बचिए हालात अगर ऐसे बने हुए हैं तो आपको क्या लगता है अल्लाह जालिम को छोड़ देंगे अकीदा हमारा और आपका इतना कमजोर फला तमाल सूरह इब्राहिम सूरह नंबर चौदह आयत नंबर बयालीस आप ये मत समझे ये जालिम लोग से अल्लाह गाफिल है वो तो मोहलत दे रहे हैं जिस दिन आँखें पथरा जाएगी यानी क्यात तक के लिए इन अल्लाहत हो सही बुखारी किताब तफसर हदीस नंबर फोर सिक्स एट सिक्स कि अल्लाह जालिम को मोहलत देता है लेकिन जिस दिन पकड़ेगा छोड़ेगा नहीं जुल्म हजारों बच्चों को मार दिया बूढ़ों को मारा औरतों को मारा बिल्डिंगों को मारा बम बरसाए मस्जिदों को मारा यानी ढा दिया फिर इसी तरीके से चर्च को ढा दिया स्कूल को ढा दिया हॉस्पिटल को ढा दिया अल्लाह छोड़ेंगे अल्लाह छोड़ेंगे, अल्ला छोड़ेंगे। कम से कम हमारा हाथ तो उठा अल्लाह तू जालिम को पकड़ ले और मजलूम की मदद फरमा याद रखिएगा मजलूम के हाथ जब ऊपर उठते हैं वापस बाद में आएंगे कबूल पहले हो जाते हैं दलील सही मुस्लिम किताबुल किताबुलमसाकत हदीस नंबर वन सिक्स वन जीरो अरवा एक औरत है कभी कभी लेडी भी डाउन होती है याद रखिएगा दबंग लेडी है सिर्फ मर्दी डाउन नहीं होते लेडी भी डाउन होती सईद बिन सैद रजी अल्लाह तुम बेचारे सीधे साधे आदमी है घर बनाया उस औरत ने कहा नहीं ये मेरा घर है अरे बराबर वाले के ऊपर जरा हाथ डाल कमजोर पर ही हाथ डालते बराबर पर डालना तब पता चलेगा शेर के लिए सवा शेर अपने से ऊंचे वाले पर हाथ डाल के दिखा जरा पता चल जाएगा अब बेचारे ने हदीस सुना दी अब उसने तो हाथ डाल के कई साल से कब्जा किए हुआ छोड़ेंगे अल्लाह एक बालिश जमीन पर एक बित्ता जमीन उन्होंने हदीस सुनाई मन अखा शिबरन मेरा अर्ज बुवे कहू मैंने यो मल क्या जिसने एक बित्ता एक बालिश जमीन किसी की ले ली कल क्यामत के दिन अल्लाह सास जमीनों का तोक बनाकर गले में डाल देगा वो औरत नहीं मानी मान जा। ए, हम लोग बोलते हैं अपने देहात में चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला चोर के आगे ताला भारी चोर या कैसा भी चोर इतना भारी भारी ताला भी आप लगा दीजिएगा तो वो खोल के दिखा देगा और बेईमान के आगे केवाला मतलब कागज पत्थर कोई भी कागज पत्थर ले आइए खत्म वो उससे बड़ा लेके आ जाएगा अब इनके हाथ उठे अल्लाह इनकान काजिबत वसा रहा वजल कब रहा फिदा रिहा अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे कुछ दिनों के बाद औरत अंधी हो गई देहात वहात में आप देखे होंगे घर ही में कुआ होता था पानी निकालने वाला तो घर में जा रही थी और कुएं में गिर गई जिस घर पर कब्जा किया यहीं धरा रहा और बद लगी जालिम को अल्लाह ने पकड़ा और मजलूम किया अल्लाह ने सुन ली एक सुन्नत और है जो हम और आप नहीं कर रहे हैं ऐसे हालात में जालिमों के लिए भी हिदायत की दुआ कीजिए अब ये जुमला अगर बोलूंगा तो सब लोगों अरे मोलिजाब इतना जुल्म किया और आप उनकी हिदायत के लिए दुआ कर रहे हैं अरे भाई सुन्नत से साबित है भाई और नबी सल्लम ने दुआ की है हालात अगर ऐसे बने हैं तो यह सुन्नत पर भी अमल कर लीजिए कौन सी सुनत है किताबुल किताबुलमी अब अहब हाजन जहलिन अब उमर अब तो इस्लाम को इज्जत दे दे अबू जहल के जरिए या उमर के जरिए अब मैं आगे तशरी कर सकता था लेकिन नहीं करूंगा इशारा आप लोग समझ ही गए होंगे कि नहीं समझे बात समझ में आई कि नहीं उर्दू ऊपर जा रही है बॉन्स हो रही है क्या दिमाग में घुस रही है हालात अगर ऐसे बने हुए हैं तो दुआ के लिए भी तो हाथ उठाइए आज से हाथ उठा दीजिए अल्लाह दिल को फेर दे दिल में मोहब्बत पैदा कर दे है ना वो जो बरस रहे हैं इधर उधर चल रहा है अल्लाह सब आसानी हो जाए ये ऑप्शन बचा हुआ हो सकता है आगे फायदा हो जाए बिलाखिर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तु को अल्ला इस्लाम का सिपाही बना दिया देखा आपने इस उम्मत के फिरौन अबू जहल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है तो क्या हम और आप दुआ नहीं कर सकते जालिम को अल्लाह पकड़ते हैं फिरौन को पकड़ लिया है सबको पकड़ा है मोहलत दे रहे हैं तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा टेंशन फ्री रहिए कुरान और सुन्नत पर अमल कीजिए अपने तरीके से जो है बताया गया उस पर चलिए नमाज पढ़िए सबर कीजिए यह आखिरी बात लोग बोलते हैं मुलिस साहब सबर कितना करें थक गए है ना बस सब? मेरा एक ही जुमला है सबर कबर जब तक कबर में ना चले जाए सबर जारी रखिए फिर उसके बाद सब मसला हल हो जाएगा अल्लाह आसानी फरमाएंगे जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लीजिए तुमको आजमाया जाएगा तुम्हारे माल में तुम्हारी जानों में आजमाइश हो रही है चल रहे चलने दीजिए सुनोगे तकलीफ दे चीजें सुनी रहे मीडिया के जरिए मीडिया हाउस भी हम लोगों को खोलना चाहिए ताकि जवाब अदम टक्कर का हो और जो है उस पर वीडियो डाला जाए बताया जाए इस्लाम की गलत फहमी दूर की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों में गलत फहमी थी कुछ लोगों ने पढ़ा और अंदर आ गए तो हम और आप वही काम नहीं कर रहे हैं बस अपने इसमें लगे हुए इधर उधर आज मीडिया का जमाना कंपटीशन सीधा उसमें होना चाहिए फिर आगे कहा सब्र करो तकवा की जिंदगी गुजारो ये पक्के कामों में से है तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी इस उम्मीद के साथ तोहेद मजबूत शिरक नहीं इधर उधर मिलावट नहीं सब कुछ अदम सही रही है आ, बहनों के अंदर भी अगर तोहद मजबूत होता तो इधर उधर ना जाती बहन हो तो ऐसी कैसी उम्म रज्ला जैसी सही किताब हदीस किताबी थ्री थ्री फोर वनकाफिर मुसलमान अबू तल्हा आपने पैगाम भेजा है बड़ा अच्छा है लेकिन मैं मुसलमान औरत हूँ और आप मुसलमान नहीं है तो यह निका कैसे होगा हमारी बिटिया की अगर तरबियत ऐसी हो जाए उम सम रज तैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूं मकतब खोलिए मकतब यूनिवर्सिटी बाद में खोलिएगा मदरसे का मकतब उसको म, मदर्स, मस्जिद का मकतब उसको मजबूत कीजिए अगर मकतब मजबूत है क्योंकि पेड़ यही है ना जड़ जड़ मजबूत हो गया तो सब मजबूत हो गया आज अपने यहाँ मकतब में कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है तनख्वाह ही नहीं है सैलरी ही नहीं है तो छोटे छोटे बच्चों मकतब बहुत जरूरी है उसको पक्का हर मस्जिद में मकतब हो फिर कोई मसला नहीं होगा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह रज़ील्ला कहाँ के पढ़े हैं मस्जिद के उमर फ़ारूक रजी रज़ील्ल्ला तुम कहाँ के पढ़े हैं मस्जिद के सब मस्जिद के पढ़े हुए हैं अपनी आज मस्जिद में ही ना मस्जिद किस काम के लिए रह गई है पंच वक्त है नमाज कभी कभी निका उसके बाद बंद सिर्फ ताला ताला बंद ताला बंद, ताला बंद ताला बंद अरे भाई खोल के रखिए क्यों बंद किए हुए हैं बोले नहीं मोली साहब कोई टॉयलेट यूज़ करेगा आज यूज़ कर रहा है कल मस्जिद में नमाज़ पढ़ेगा हमेशा अच्छी चीज़ लेते रहिए लोगों को उभारते रहिए बहुत सारी बातें और अपनी मस्जिदों को गैर मुस्लिमों के लिए ने वतन के लिए खोलिए आइए हमारी मस्जिद की विजिट कीजिए मस्जिद को देखिए यह आपके लिए भी है आइए चाय पानी होना चाहिए बैठ के बात होनी चाहिए खामोश रहिएगा तो कैसे अरे अपने समाज में अबू तालिब को ढूंढ लीजिए अबू तालिब हैं अपने समाज में आपका साथ देंगे ढूंढिए इबनदगना को ढूंढिए अब्दुल्ला बिन और को ढूंढिए तलाश कीजिए ज़ला दिल बड़ा कीजिए टेंशन का ले रहे हैं अल्लाह हम में से जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर कर दे जो कर्ज में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल जिनको बच्चे नहीं हो रहे अपनी रहमत से अल्लाह तो उनको औलाद दे दे हमारे मुल्क में अमन शांति की फ़जा अल्लाह तो बनाए रख इनशाला फिर मिलेंगे इधर उधर की कुछ बातें हो होगी उसको छोड़ दीजिए कुरान हदीस की जो बातें उसको ले लीजिए अल्लाह कहने सुनने से सुन सेम के तोफी दामीन इनशा फिर मिलेंगे असल वरहल वर्क